मुलाकातों की संगठन के बड़े पदाधिकारियों से सीएम योगी आदित्यनाथ जो है मुलाकात करेंगे। आज लगातार मीटिंग का दौर जारी है, बैठकों का दौर जारी है। नई सरकार का गठन होना है, कब होना है, क्या कुछ इस सरकार में खास रहेगा, किस तरीके से चेहरों को तवज्जो दी जाएगी, इसको लेकर चर्चा हो रही है। तो सरकार गठन पर मंथन लगातार जारी है और दिल्ली में बीजेपी की देखिए बड़ी बैठक इसी को लेकर हो रही है। बीजेपी लगातार मंथन कर रही है इसको लेकर, योगी आदित्यनाथ का इसी को लेकर देखिए आज दिल्ली का दौरा भी है। दो दिन तक वो दिल्ली में रहेंगे और उसके बाद वहां पर मंथन होगा। केशव प्रसाद मौर्य, स्वतंत्र देव सिंह भी देखिए मौजूद बताए जा रहे हैं कि रहने वाले हैं बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ। ये बड़ी बैठक है, अमित शाह जेपी नड्डा से मुलाकात योगी आदित्यनाथ की रहेगी और इसी के साथ साथ वो देखिए दोपहर बाद आज पीएम से भी मुलाकात करेंगे। और रवि सराफ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रवि, आप लगातार यूपी सदन के बाहर हैं, क्या अभी तक आपको जानकारी मिल पा रही है, कितना वक्त और है वहां पर सीएम को आने में अभी? बिल्कुल शिवांगी, देखिए जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है हिंडन पहुंच चुके हैं और हिंडन से बाय रोड वो उत्तर प्रदेश सदन आ रहे हैं। यानी कि अमूमन जो है हिंडन से उत्तर प्रदेश सदन की अगर बात करें, बाय रोड अगर आप चलते हैं, दूरी 40 से 45 मिनट में आप पूरी कर लेते हैं। तो ये कहा जाए कि कुछ ही क्षणों में जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है उत्तर प्रदेश सदन त्रिवेणी आ जाएंगे। उससे पहले आपको जो है बाहर का थोड़ा सा नज़ारा दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए ये त्रिवेणी का जो गेट है उसके बाहर आप देख सकते हैं हिंदू युवा वाहिनी के जो दिल्ली प्रदेश के जो कार्यकर्ता और नेता हैं, फूल माला लेकर आए हैं, गाने बजा रहे हैं, झूम भी रहे हैं। कुछ भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्ता एक एक करके पहुँच रहे हैं। तो पूरी तरह से ये कहा जाए कि एक जश्न मनाने का पूरा यहाँ पर माहौल है। एक एक करके तमाम जो कार्यकर्ता जिनको जानकारी पहुँच रही है कि मुख्यमंत्री दिल्ली आने वाले हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं, पर सबसे पहले हिंदू युवा वाहिनी के जो तमाम कार्यकर्ता दिल्ली प्रदेश के हैं वो पहुँचे हैं और झूम रहे हैं। आज की अगर बात करें तो तमाम बड़े नेताओं के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात होनी है, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी नाम शामिल है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से मिलेंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलेंगे, संगठन मंत्री बिगल संतोष से मुलाकात करेंगे, तमाम इन नेताओं से मुलाकात करेंगे। तो आज कहीं ना कहीं 7 से 8 बड़े नेताओं के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात दिल्ली में होनी है। सब तमाम नेताओं से मुलाकात होने के बाद कल गृह मंत्री अमित शाह से बताया जा रहा है कि समय है मुलाकात करने का और दोपहर बाद दिल्ली से यूपी के लिए रवाना होंगे। तो तमाम नेताओं से जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आज मुलाकात होनी है उन्हें वो शपथ ग्रहण समारोह के लिए आमंत्रित भी करेंगे और नए मंत्रिमंडल गठन के लिए जो है मंथन भी किया जाएगा कि कितने जो है नए चेहरे शामिल किया जाएंगे और कितने जो पुराने चेहरे उन्हें फिर से रिपीट किया जाएगा। और क्या आपके पास इसको लेकर जानकारी है कि होली से पहले सरकार का गठन हो जाएगा या फिर होली के बाद, क्या चर्चाएं आपको भी इसको लेकर मिल रही है? देखिए जहाँ तक शपथ ग्रहण समारोह की बात है तो हमारे सूत्र जो जानकारी दे रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि जो शुभ मुहूर्त है वो होली के बाद का निकाला गया है। हाँ। तो संभावना ये जताई जा रही है कि मुहूर्त के अनुसार होली के बाद जो है शपथ ग्रहण समारोह होगा। और क्योंकि आपने देखा होगा कि मुहूर्त के हिसाब से, ज्योतिष के हिसाब से बीजेपी और उनके तमाम बड़े नेता जो हैं वो चलते हैं। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने अपने नाम के आगे जो योगी लगाया उसे पीछे किया था, आदित्यनाथ योगी किया था, फिर उन्होंने चेंज किया। तो जिस तरह से ज्योतिष आचार्य जो तमाम हैं वो जो गाइड करेंगे, जो शुभ मुहूर्त बताया जाएगा उसके हिसाब से जो है शपथ ग्रहण समारोह होगा। पर जो हमारे सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि होली के बाद जो है शपथ ग्रहण करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और एक बड़ा शपथ ग्रहण समारोह होगा। बिल्कुल, और देखिए वहां पर ये भी कहा गया रवि कि आज स्वतंत्र देव सिंह भी साथ में आज रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ के, केशव प्रसाद मौर्य भी रहेंगे। देखिए स्वतंत्र देव सिंह की जहाँ तक बात है वो प्रदेश अध्यक्ष हैं और जब भी हमने जितना कवर किया है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली दौरे पर होते हैं और संगठन को लेकर कोई बैठक होती है, बड़े नेताओं के साथ मुलाकात रहती है तो प्रदेश अध्यक्ष साथ में होते हैं क्योंकि कई बार बैठक में पूरी जानकारी देनी होती है। तो ऐसे में स्वतंत्र देव सिंह जो है साथ में रहेंगे और वो प्रधानमंत्री से भी मुलाकात करने जा सकते हैं क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह है और उनके नेतृत्व में, उनकी वानगी में जो है उत्तर प्रदेश का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने लड़ा है और एक प्रचंड बहुमत से जीत हासिल हुआ है। तो तमाम
जो बड़े नेताओं के साथ मुलाकात होगी, मंथन होगा, उसमें जो है कि साथ में रहेंगे और तमाम जो रणनीति रही है विधानसभा चुनाव के दौरान उस रणनीति के बारे में जानकारी देंगे और आगामी भविष्य में जो तैयारियां हैं उसके बारे में भी पूरी जानकारी देंगे। अब बिल्कुल, और देखिए रवि, आप लगातार वहां पर देख रहे हैं यूपी सदन के बाहर भी हलचल तेज हो रही है, क्या वहां पर कोई और बीजेपी का भी नेता, कोई बड़ा चेहरा आपको नजर आ रहा है, कोई जानकारी इसको लेकर? देखिए, यहाँ की अगर बात करें शिवांगी, तो पहले हिंदू युवावाहिनी के जो कार्यकर्ता दिल्ली प्रदेश के वो पहुँचे हैं, बीजेपी के भी कुछ कार्यकर्ता पहुँचे हैं, ऐसे ही कई नेताजी हमारे साथ ही मौजूद हैं। क्या आप दिल्ली से हैं? मैं ठाकुर ऋषिपाल सिंह, भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ कार्यकर्ता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में 5 साल सरकार, सुशासन, शासन, प्रशासन, राशन, चलिए सारी चीजें तो है, खुश हैं आज आप लोग? पूरी तरह से खुशी का एक माहौल है? पूरी तरह खुशी का माहौल है और हम यहाँ योगी जी का स्वागत करने के लिए आए हैं, यहाँ खड़े हैं। आदरणीय योगी जी कुछ ही पलों में आने वाले, हम उनका इंतजार कर रहे हैं। देखिए, कार्यकर्ता जो हैं, नेता जो हैं, वो इंतजार कर रहे हैं और कुछ देर बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुँचेंगे। देखिए शिवांगी, इसी तरह से लगातार सुबह से यहाँ जो है माहौल इस प्रकार बना हुआ है, लोग घूम रहे हैं, फूल हाथ में उठाए हुए हैं कि मुख्यमंत्री आए तो उन पर पुष्प की वर्षा करें और उनका स्वागत करें, तो तमाम लोग जो है इंतजार कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। और 1 बजे का समय जो है पीएल संतोष से मुलाकात करने का है, तो अब से थोड़ी देर बाद जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश सदन पहुंचेंगे, यहाँ पर थोड़ी देर रुकेंगे, उसके बाद पीएल संतोष के आवास पर जाएंगे, उनके साथ उनकी बैठक। चलिए रवि, यहाँ पर ये बताइए जरा कि आपको भी क्या जानकारी मिल रही है कि इस बार कौन कौन से ऐसे नाम हैं जो मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं, कौन कौन से ऐसे नए चेहरे हैं जिनको तरजीह दी जा सकती है इस बार के मंत्रिमंडल में, मंत्री बनाने में? देखिए, पुराने अगर चेहरों की बात करें तो कई ऐसे कैबिनेट मंत्री हैं जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है और जिनके ऊपर कोई छींटाकशी या फिर ये कहे कोई दाग नहीं लगा है, जिसमें सतीश महाना को आप देख सकते हैं, औद्योगिक विकास मंत्री, उद्योग जब मंत्री होते हैं और तमाम जो विकास को लेकर बिजनेस समिट हो या फिर उद्योग उत्तर प्रदेश में डालने हो, नए उद्योगों को लेकर नोएडा तक लेकर जाना हो, तो पूरे उत्तर प्रदेश में उन्होंने काम किया। ऊर्जा मंत्री के रूप में श्रीकांत शर्मा के काम को आप देख सकते हैं, बिजली को किस तरह से उन्होंने एक नया धार दिया, एक रफ्तार दिया, बिजली जो है 20 घंटे, 22 घंटे, 18 घंटे उत्तर प्रदेश में आने लगी और बिजली चोरी एक बड़ा मुद्दा होता था उत्तर प्रदेश में, बिजली चोरी पर उन्होंने बहुत नकेल कसा है। तो ऐसे ही तमाम जो मंत्री हैं जिन्होंने अच्छा काम किया है वो रिपीट कर सकते हैं। नए चेहरे की अगर बात करें, युवाओं पर ज़्यादा इस बार जोर दिया जाएगा, महिलाओं पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा और कुछ ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने पार्टी छोड़कर वो चले गए, इस्तीफा दिया, जैसे श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, तो मंत्रालय पूरी तरह से खाली है, तो ऐसे में जो नए चेहरे होंगे उनको उन जगह पर शिफ्ट किया जाएगा और जो काम किया गया है उसके बारे में जानकारी दी जाएगी और जो काम नहीं हुआ है उसकी व्याख्या होगी। जी बिल्कुल, देखिए रवि, एक नाम और बड़ी चर्चा में, क्योंकि सुरेश खन्ना एक लंबे विधायक पद पर वो रहे भी और लगातार अब जानकारी दे रहे हैं, लेकिन इन सब मुद्दों को लेकर बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी लोगों के। सीएम योगी आदित्यनाथ आज देखिए दिल्ली पहुंच रहे हैं और जैसा कि अभी हमारे सहयोगी ने अपडेट भी दी कि वो हिंडन पहुंच चुके हैं, उसके बाद अब सीधे यूपी सदन आ रहे हैं और उसके बाद उनकी मुलाकातों का दौर जो है वो शुरू हो जाएगा। आज सीएम योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शाम तक मुलाकात करेंगे, जेपी नड्डा से मुलाकात है, अमित शाह से मुलाकात है, राजनाथ सिंह से मुलाकात है, बिगल संतोष से भी उनकी मुलाकात होगी आज, धर्मेंद्र प्रधान से भी मुलाकात होगी, संगठन के बड़े लोगों पदाधिकारियों के साथ यहां पर उनकी आज मुलाकात होने वाली है। तो आज दिल्ली में हलचल तेज है, सीएम योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली पहुंच चुके हैं। कांग्रेस संसदीय रणनीति समूह की बैठक